गुड इवनिंग, आज है 17 अक्टूबर, टाइम हो रहा है 10 PM। आज की जो पोजीशन से मैं आपको दिखा दूं, बैंक निफ्टी में हमने एक स्ट्रैडल बनाया था, यू कैन से स्ट्रैंगल, और उसमें जो है हमारा एक SL हिट हो गया और फिर हमने एक दूसरे लेग को हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करा और उसमें हमारा डे एंड तक 1:1 का ही प्रॉफिट हुआ है, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 1:3, बट यहाँ पे हमारा 1:1 का प्रॉफिट होके हमने क्लोज करा। और जो अनदर ट्रेड था जो इन्फोसिस में लिया था हमने, उसमें हमें 10,000 के रिस्क के अगेंस्ट में 1:1 भी नहीं, बट ये अमाउंट यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया है, वो भी अराउंड 3 बजे के आसपास जब मार्केट क्लोज होने वाला था उसके पहले। सो इसमें अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ इन्फोसिस में हमने एंट्री कहाँ पे और क्यों ली थी, तो रीज़न सिंपल था, काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हो चुका था और एक भी रेड कैंडल या फिर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। हमने ये रिट्रेसमेंट में ट्रेड लिया था यहाँ पे और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिर आफ्टरनून सेशन में है जो है वो सेलिंग ही रहे, और हमने यहाँ पे अराउंड 3 बजे हमारी पोजीशंस कट कर दी थी, आई थिंक समवेयर यहाँ पे कहीं पे हमने पोजीशंस कट कर दी थी, और उसके बाद जो ये स्पाइक आई है उसमें हमारा SL हिट हो जाता, बट फिर हमारा जो रूल है, हमारी कोई सिस्टम जो है होल्डिंग्स आपको दिखाना प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज ये मेरे पर्सनल, और ये ट्रेड्स होल्डिंग के लिए है जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये मैंने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे होल्ड करें, आज बाय करें इनको, और बाकी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है होल्डिंग्स का, बस मैंने होल्ड अपने स्टॉक्स होल्डिंग्स के लिए हमने पोजिशंस ऐड करी है। सो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हो गया था, इसी कैंडल में पूरा मूव हो चुका था, हमने यहीं पे समवेयर यहाँ पे कहीं स्ट्रैडल बनाया था, बिकॉज यहाँ से हो सकता था मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो, बट यहाँ पे हमारी एक लेग हमने जो पुट शॉर्ट करा था वो यहाँ पे हिट हो गया था इस वाले मोमेंटम में, बट या फिर उसके बाद जो मार्केट था वो पूरा साइडवेज था, जो कि यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ से साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज हो गया, अगर ये मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता तो हमें दोनों लेग में प्रॉफिट देखने मिलता। ऑर्डर्स की बात करूँ तो हमने 3:10 पे हमारी पोजीशन एग्जिट करी, जो पुट साइड में हमने एंट्री ली थी, क्वांटिटी थी 3,200, ये प्राइस पे हमने एग्जिट करी, ये प्राइस पे हमने बाय करी, जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, बैंक निफ्टी के ये मैंने हेजेस थे वो यहाँ पे मैंने कॉल एग्जिट करा था सेम 3:10 पे, जो कि 1:1 के प्रॉफिट में था, और ये हेज किया था वो भी पोजीशन हमने एग्जिट कर दी थी ये टाइम पे समवेयर अराउंड। और अगर आज की जो ब्रोकरेज है वो हमारी 944 है, बिकॉज हमने कुछ स्टॉक्स होल्डिंग्स के लिए लिए हैं, उसके जो चार्जेस लगे हैं वो काफ़ी मिनिमल है, बट या इन द एंड अगर देखें तो ये भी अराउंड 1000 के यहाँ तक जाते हैं, रेस्ट इज़ या ब्रेक इवन डे यू कैन से आज, और लेट्स सी यू टुमारो गाइस, हैव अ नाइस डे।